हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं Xiaomi Redmi 5 Plus की। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है ये एक और नाम से भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, Xiaomi Redmi Note 5। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है ये पहले चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले। मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर ये बताया था, और बल्कि एक पूरी की पूरी वीडियो इस मोबाइल फोन के ऊपर बनाई गई थी। लेकिन ये मोबाइल फोन कल ही इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और एक नए नाम के साथ लॉन्च हुआ था, Xiaomi Redmi Note 5 के नाम से। तो दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर ये खबर मिल रही है कि Daraz.pk पर आप लोग इस मोबाइल फोन को प्री ऑर्डर कर सकते हैं, और ये जो ऑर्डर है ये आप लोगों को 20 तारीख के बाद पार्सल किए जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है साफ साफ कि ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च होने जा रहा है, और इसकी जो लॉन्च डेट है वो है तकरीबन 20 फरवरी 2018। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे इस मोबाइल फोन के बारे में मुकम्मल तफसील कि ये मोबाइल फोन इंडिया के अंदर कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान के अंदर कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च होगा, और चाइना के अंदर कितनी प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहा था। तो ये सभी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं टेक उर्दू। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के नाम की। दोस्तों ये चाइना के अंदर सबसे पहले लॉन्च हुआ था तकरीबन आज से 20 दिन पहले, तो उस वक्त इसका नाम था Xiaomi Redmi 5 Plus। और उसके अलावा हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, और इसके अलावा यहाँ पे 14 फरवरी 2018 को ये इंडिया के अंदर फाइनली लॉन्च कर दिया गया था। और इसका जब लॉन्च किया गया था उस वक्त इसका नाम था Xiaomi Redmi Note 5। तो इस तरह से बिल्कुल सेम मोबाइल फोन आप लोगों को मिलने जा रहा था एक नए नाम के साथ इंडिया के अंदर, और उस वक्त जो इसकी प्राइस थी वो तकरीबन थी 9,999 रुपए। 3GB और 32GB वाला वेरिएंट है इस मोबाइल फोन के। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि दो वेरिएंट है, 4GB 64GB के साथ और 3GB 32GB के साथ। इस तरह चाइना के अंदर इस मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं तो 3GB और 32GB वाला जो वेरियंट था वो तकरीबन $199.99 के अंदर मिलने जा रहा था। तो इस तरह से इंडिया के अंदर इसी वेरिएंट की जो प्राइस थी वो थी 9,999 रुपए। और अब ये मोबाइल फोन पाकिस्तान के अंदर फाइनली लॉन्च होने जा रहा है 20 तारीख को। आप लोग प्री ऑर्डर इसको Daraz.pk पर पहले ही कर सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा 20 तारीख को। वहां पे इसकी जो प्राइस है यानी पाकिस्तान के अंदर जो इसकी प्राइस होगी वो है तकरीबन 17,999 रुपए, और अगर आप लोग इसको 20 तारीख के बाद ऑर्डर करते हैं तो वहां पे आप लोगों को प्राइस होगी जी 19,999 रुपए। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को ये मोबाइल फोन 19,999 रुपए के अंदर अवेलेबल होगा अगर आप लोग किसी भी ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं। यानी आप अगर अपने शहर में किसी भी दुकान से खरीदते हैं तो ये आप लोगों को 19,999 रुपए का मिलेगा। उसके अलावा अगर आप लोग आज ही या 20 तारीख से पहले पहले इस मोबाइल फोन को Daraz.pk पर ऑर्डर करते हैं तो उस वक्त इसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन 18,000 रुपए है, यानी 17,999 रुपए है। दोस्तों बिल्कुल सेम मोबाइल फोन है जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था, Xiaomi Redmi 5 Plus की वीडियो के अंदर वही मोबाइल फोन आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर मिलने जा रहा है, और इसकी जो नाम होगा वो भी Xiaomi Redmi 5 Plus ही है। इंडिया के अंदर यही सेम मोबाइल जो था वो Xiaomi Redmi Note 5 के नाम से लॉन्च किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक नहीं दो मोबाइल फोन लॉन्च होने जा रहे हैं Xiaomi Redmi 5 Plus और Xiaomi Redmi Note 5 के नाम से। तो ये बिल्कुल सेम मोबाइल फोन आप लोगों को दो नाम के साथ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा। दोस्तों चलिए इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल के ऊपर या फिर इस वीडियो के ऊपर जिन्होंने वो पहली वीडियो नहीं देखी थी, तो उनके लिए बताता चलूं कि आप लोगों को यहाँ पे 5.99 इंच की LCD दस्तयाब होगी, डिस्प्ले दस्तयाब होगा, गोरिल्ला ग्लास इसको प्रोटेक्ट किया गया है, और साथ ही साथ इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो 1080x2160 पिक्सल के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होगी। रैम और स्टोरेज के अंदर 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा, जिसकी प्री ऑर्डरिंग शुरू की गई है। इसके अलावा कुछ दिन बाद आप लोगों को 4GB और 64GB वाला जो मोबाइल फोन है वो भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देख लेते हैं इस मोबाइल फोन के दूसरे फीचर्स को, जैसा कि इसका प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर आप लोगों को 2.0 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दस्तयाब होगा, और यहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन 625 SoC के साथ ये मोबाइल फोन आप लोगों को अवेलेबल होगा, और इसका जो कॉर्टेक्स है A53 के साथ आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। इस तरह से काफी अच्छा आप लोगों को प्रोसेसर यहाँ पे अवेलेबल होगा। GPU की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन का ही Adreno 506 GPU यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसके अंदर 3D गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हीटिंग का कोई इशू नहीं आने वाला। दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के दूसरे फीचर्स की, जैसा कि सेंसर हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बैक के ऊपर मिलेगा जी फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, उसके साथ साथ प्रॉक्सिमिटी सेंसर,
और उसके अलावा काफ़ी सारे सेंसर जो हैं, कॉल और ये वो दूसरे सेंसर, वो सारे के सारे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। उसके साथ बात आ जाती है इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज की, तो कैमरा के अंदर आप लोगों को रेयर कैमरा मिलने जा रहा है 12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा आप लोगों को मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। तो इस तरह से जो कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं है, इसका जो फ्रंट कैमरा की खासकर मैं बात करना चाहता हूँ, 5 मेगापिक्सल के अंदर मिलने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 2 से 3 दिन पहले ही टेक्नो ने भी अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, टेक्नो कैमोन आई के नाम से। उसके अंदर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा मिलने जा रहा था और 13 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा मिलने जा रहा था। तो उसके अंदर भी आपको जो प्राइस मिलने जा रही थी वो है 19,999 रुपये। तो यहाँ पे मैं एक ही बात शाओमी को कहना चाहूँगा कि भाई आप किस तरह से ये कैमरा के अंदर मुकाबला करना जा रहे हैं टेक्नो कैमोन से। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के अंदर जो शाओमी का प्रोसेसर है 625 वो सबसे बेस्ट है, टेक्नो से बेस्ट है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप लोगों को स्नैपड्रैगन 65 मिलने जा रहा है शाओमी रेडमी 5 प्लस के अंदर, जबकि टेक्नो कैमोन के अंदर आप लोगों को मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलने जा रहा था 5737 के नाम से या फिर 6737 के नाम से। तो इस तरह से उसके अंदर जो प्रोसेसर था वो कोई इतना खास प्रोसेसर नहीं था, बल्कि उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी इशू आने वाले हैं जो कि वो मोबाइल फ़ोन खरीदने जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग टेक्नो कैमोन आई की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा ये जो शाओमी रेडमी 5 प्लस जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है और चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप लोग वो सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की, तो बैटरी के अंदर आप लोगों को 4000 mAh की बैटरी यहाँ पे अवेलेबल होगी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फ़ोन के वेट की, तो ये तकरीबन 199 ग्राम के अंदर आप लोगों को अवेलेबल होगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है और काफ़ी लाइट वेट भी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की रिलीज डेट की। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्री ऑर्डरिंग शुरू हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ Draz.pk पर, और किसी भी वेबसाइट या फिर ऑफलाइन मार्केट से इसको आप परचेज नहीं कर सकते 20 तारीख से पहले। अगर आप लोग 20 तारीख से पहले इसको Draz.pk से परचेज करते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को 1000 रुपये बचत के साथ ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा, और ये मिलेगा आप लोगों को 20 तारीख के बाद ही। तो इस तरह से अगर आप लोग बचत करना चाहते हैं और ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप लोग Draz.pk पर ख़रीद सकते हैं। उसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल यानी टेक उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।